दूसरा अध्याय का 20 नंबर श्लोक निकालिएगा, 20वां, दूसरा अध्याय का 20वां। न जायते भ्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मेरे पीछे बोलिएगा अभी। न जायते भ्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो 20 ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते भ्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो न जायते यानी ना जन्म लेता है, ना भ्रियते, ना मृत्यु होता है उसका, ना मरता है, कभी नहीं, कदाचित यानी कभी भी नहीं। नायम भूत्वा भविता ना भूयः, ना कभी वो जन्म लिया है, ना ले रहा है, ना लेगा कभी। अजो नित्य, वो नित्य है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वतोयम, वो शाश्वत भी है, पुराणो सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन। ना हन्यते हन्यमाने शरीर, शरीर की मर जाने से, हत्या हो जाने से या मर जाने से, खत्म हो जाने से आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे यहाँ पर कहा गया। ये आत्मा के बारे में भगवान कहते हैं। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है, ना मृत्यु है। अनुवाद देख लीजिए, आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है, ना मृत्यु है। वह ना तो जन्मा है, ना जन्म लेता है, ना जन्म लेगा। वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वो मारा नहीं जाता है। तो यहाँ पर श्री भगवान और एक आत्मा के बारे में एकदम तगड़ा एक श्लोक बतला रहे हैं। आत्मा के बारे में वो कभी नहीं मरता है आत्मा, ठीक है। तात्पर्य एक बार पढ़ लेते हैं। कौन पढ़ेंगे आज तात्पर्य? जो नहीं पढ़े वो पढ़ेंगे, जो पढ़ लिए उनके लिए नहीं। राजकुमार को पढ़ेंगे, निर्मला माता जी पढ़ेंगे, आज पढ़िए। चलिए राजकुमार को कल देते निर्मला माता जी पहले हाथ पढ़िए माता जी। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणुअंश परम से अधिक अभिन्न है। वह शरीर को भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कुटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ में जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है, अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है, न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता, अतः उसका न तो भूत है, न वर्तमान है या भविष्य। वह नित्य, शाश्वत तथा सनातन है, अर्थात उसके जन्म लेने का कोई इतिहास नहीं है। इस शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म, मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी तो वृद्ध नहीं होता, अतः तथाकथित वृद्ध पुरुष भी अपने में बाल्यकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह क्षीण नहीं होता। आत्मा है और आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती। शरीर की उपसृष्टि संतानें है और ये भी यशस्वी आत्माएं हैं और शरीर के कारण ये किसी न किसी की संतानें प्रतीत होते हैं। शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के न तो कोई उपवृद्धि है न ही उसमें कोई परिवर्तन होता है। वह आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से मुक्त है। हाँ, तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी इस पैराग्राफ में कहते हैं कि शरीर का 6 प्रकार का परिवर्तन है। क्या क्या? जन्म लेता है, ठीक है, बढ़ता है, ये बताया गया ना। आप देखिए तीसरा लाइन में, वो जन्म लेता है, कुछ काल रहता है, फिर बढ़ता है। जन्म लेता है, कुछ समय रहता है, फिर बढ़ता है, फिर कुछ उत्पन्न करता है, उसके बाद धीरे 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 क्षीण होता है और उसके बाद अंत हो जाता है, मृत्यु होता है। ये शरीर का 6 प्रकार की परिवर्तन। एक बच्चा जन्म लेता है, उस समय उसका बचपना रहती है, उसके बाद वो क्या होता है, फिर बढ़ता है, बढ़ के फिर कुछ उत्पन्न करता है, बच्चा उत्पन्न करता है, उसके बाद फिर उस धीरे धीरे क्षीण होता है, वृद्ध हो जाता है, फिर मर जाता है। ये 6 परिवर्तन शरीर का है, मगर आत्मा का ये परिवर्तन नहीं है। आत्मा ना बच्चा है, ना जवान है, ना बूढ़ा है। आत्मा ना स्त्री है, ना पुरुष है। आत्मा का कोई ऐसा पहचान नहीं। आत्मा का एक ही पहचान है, क्या है? वो भगवान का नित्य दास है, वो भगवान का नित्य संगी है, वो भगवान का नित्य अंश है। आत्मा ना जन्म लेता है ना मरता है। प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति जन्म लेता है वो मरता है, मगर आत्मा जन्म ही नहीं लेता तो मरेगा कैसे? और मरा ही नहीं तो फिर जन्म कैसे लिया? ठीक है नहीं? तो यहाँ पर देखिए कौन सा लाइन है, आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती है, शरीर के ऊपर सृष्टि संतान होते हैं। ये शरीर संतान उत्पन्न करता है, और संतान क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं वो एक आत्मा है, व्यष्टि आत्मा है, यानी अलग आत्मा है, वो एक अलग आत्मा है। हमारे से जो उत्पन्न होता है वो भी एक अलग आत्मा होता है। कर्म के अनुसार वो माता के गर्भ में आता है, फिर वो जन्म लेता है, उसका शरीर प्राप्त होती है। तो शरीर का परिवर्तन करता है आत्मा। और प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक शरीर में आत्मा है तभी शरीर का परिवर्तन, नहीं तो शरीर भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर आत्मा निकल जाए शरीर से, प्रभुपाद जी कह रहे हैं शरीर का भी कोई परिवर्तन नहीं है। हाँ, तो इसलिए आत्मा का बहुत बड़ा महत्व है। आप बताइए कितना महत्व है आत्मा का शरीर में। हाँ? आत्मा नहीं रहा तो शरीर का कोई परिवर्तन नहीं है, ऐसे ही पड़ा रहेगा एकदम बिल्कुल। और दूसरा, पढ़ाई नहीं रहेगा, सड़ने लगेगा। आत्मा निकल गया ना, 1-2 दिन में शरीर सड़ने लगेगा। ये शरीर, ये इतना छोटा सा चीज जब निकल जाती है। आत्मा का अंश क्या है, आत्मा का साइज क्या है? शास्त्र में बताया जाता है आत्मा का साइज हमारा केशाग्र शतभागस्य शतदा। हमारे बाल का सर का जो बाल होता है उसका जो अग्रभाग लेंगे ना, जितना छोटा होता है उसको 100 भाग करो। कितना भाग? 100 भाग। और 100 भाग में से 1 भाग करो, उसको वापस 100 भाग करो। इतना छोटा बताया गया शास्त्र में आत्मा का। और वो आत्मा जब शरीर से निकलती है तब तो इस शरीर का अस्तित्व ही नहीं रह जाता है, सड़ने लगता है। इतना महत्वपूर्ण आत्मा, और इतना बेवकूफ है हम लोग, आत्मा के लिए कोई काम नहीं करते और शरीर के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। जो इतना इम्पोर्टेंट है उसके लिए कोई विचार नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है। आत्मा की प्रगति के लिए, शरीर की प्रगति के लिए तो खूब करते हैं। घर चाहिए, पत्नी चाहिए, धन संपत्ति चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये कितना कितना कुछ तैयारियां होती है। किसके लिए हो? आत्मा को गाड़ी किसके लिए चाहिए? आत्मा को गाड़ी चाहिए ना, आत्मा को पत्नी चाहिए, ना पुत्र चाहिए, ना आत्मा को कोई घर चाहिए रहता है, नहीं ना आत्मा को एसी चाहिए रहता है, ना कूलर चाहिए रहता है, ना आत्मा को पंखा चाहिए, ना खाना चाहिए, छप्पल भोग आत्मा को चाहिए। आत्मा को इसको कुछ चाहिए ही नहीं है। ये जितना भी सुबह से शाम तक हम करते हैं, शाम तक भी नहीं, रात को भी जो सोते हैं, आत्मा को सोने का कोई जरूरत ही नहीं है। ना आत्मा सोता है, ना जागता है। देखिए बहुत बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं ये। हाँ? वो आत्मा अगर शरीर से निकल गया तो ये शरीर मुर्दा कहा जाता है। शरीर को जीवित तब तक कहा जाएगा जब तक आत्मा है शरीर के अंदर। जैसे निकला उस शरीर को मुर्दा बोल दिया था, ये मुर्दा है, मर गया। इतना महत्वपूर्ण आत्मा को, आत्मा के लिए कोई प्लान नहीं है, मगर शरीर के लिए 2400 घंटा प्लानिंग है, 2400 घंटा मेहनत करते हैं। सोते भी किसके लिए सोते हैं? सुबह उठ के काम में जाना पड़ेगा, नहीं सोएंगे तो कल काम कैसे करेंगे? काम में क्यों जाना है? काम में नहीं जाएंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे? पैसा क्यों कमाना है? पैसा नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या? खा क्यों रहे हो? शरीर को हृष्ट पुष्ट रखना है। हृष्ट पुष्ट क्यों रहना है? काम करना है। यानी ये चक्र है, कमा क्यों रहे हो? खाने के लिए। खा क्यों रहे हो? कमाने के लिए। ये आत्मा से कोई लेना देना नहीं इस चीज का। बुद्धिमान व्यक्ति आत्मा कल्याण के लिए कार्य करता है, उसका प्लानिंग आत्मा के लिए होती है, ना कि शरीर के लिए। प्रभुपाद के उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार एक पिंजरे में पक्षी है, तोता है मान लो, और पिंजरा जो है सोने का पिंजरा है, प्रभुपाद कई जगह पर उदाहरण आएगा। पिंजरा सोने का है, उसमें पक्षी बैठा है, पक्षी को, ये पक्षी को कोई खाना नहीं दिया जा रहा है, तोता को कोई खाना नहीं दिया जा रहा है, मगर पिंजरा को रोज एकदम सुबह दोपहर को शाम को एकदम चकाचक कर रहे हैं, उसको साफ कर रहे हैं एकदम फर्स्ट क्लास, मगर पक्षी को खाने के लिए पीने के लिए कुछ नहीं दिया जा रहा है। पक्षी रहेगा ज्यादा समय, मर जाएगा। पिंजरा इंपोर्टेंट है कि पक्षी इंपोर्टेंट है उसके अंदर? ये पिंजरा किसके लिए? पक्षी है, इसके लिए पिंजरा आपने दिया, और लग गए हम पिंजरे की चकाचौंध करने के चक्कर में, और ये हम लोग वही कर रहे हैं। शरीर को तो खूब रगड़ रगड़ के साफ कर रहे हैं, खूब सजाते हैं, धजाते हैं, सब करते हैं, मगर आत्मा के लिए कोई प्लान नहीं है। ना उसको पूछे कभी कि बाबा क्या चाहिए तेरे को, क्या चाहिए आपको, बताओ आत्मा को क्या चाहिए, आत्मा का खुराक क्या है? शरीर को अच्छा रखना है तो हमको खाना चाहिए, आत्मा को कौन सा खाना चाहिए? आत्मा को एक ही खाना चाहिए, उनका खुराक क्या है? भगवान कृष्ण का भक्ति, भगवत भक्ति आत्मा का खुराक है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये खुराक है आत्मा का। ये जितना करोगे आत्मा उतना सुप्रसिद्ध प्रसन्न रहेगा, ये आत्मा सुप्रसिद्ध, आत्मा हमेशा प्रसन्न रहेगा भगवत धाम करने से। तो शरीर की वृद्धि आत्मा की उपस्थिति के कारण होती है, किंतु आत्मा के ना कोई उपवृद्धि है, ना उसमें से कोई परिवर्तन होता है। इसलिए अतः आत्मा शरीर के 6 प्रकार के परिवर्तन से बिल्कुल रूप से मुक्त है। आगे पढ़िए माता जी। कठोर उपनिषद में इसी तरह का एक श्लोक आया है, न जायते म्रियते या विपश्चिनाय कुतश्चिन्न बभूव कथित, न जायते म्रियते वा विपश्चिन नायम कुतश्चिन बहुव कश्चित, अजो नित्य है शाश्वतयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक का आगे पढ़िए। इस श्लोक का अर्थ तथा तात्पर्य भगवत गीता के श्लोक जैसा ही है, किंतु इस श्लोक में एक विशिष्ट शब्द विपश्चित का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। आत्मा ज्ञान में से या चेतना से सदैव पूर्ण रहता है, अतः चेतना ही आत्मा का लक्षण है। यदि कोई हृदयस्थ आत्मा को नहीं खोज पाता, तब भी वह आत्मा की उपस्थिति को चेतना की उपस्थिति से जान सकता है। कभी कभी हम बादलों या अन्य कारणों से आकाश में सूर्य को नहीं देख पाते, किंतु सूर्य का प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है, अतः हमें विश्वास हो जाता है कि यह दिन का समय है। प्रातःकाल जो ही आकाश में थोड़ा सा सूर्य प्रकाश दिखता है तो हम समझ जाते हैं कि सूर्य आकाश में है। इसी प्रकार चूंकि शरीरों में चाहे पशु या हो या पुरुषों के कुछ न कुछ चेतना रहती है, अतः हम आत्मा की उपस्थिति को जान लेते हैं, किंतु जीव को यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना को सर्वज्ञ है। भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञान से पूर्ण व्यष्टि जीव को चेतना विस्मरणशील है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है, किंतु कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। यदि वे ऐसे होते तो उनके द्वारा दिए गए भगवत गीता के उपदेश व्यर्थ होता। ओके, तो इस पैराग्राफ में देखिए एक श्लोक कठोपनिषद से प्रभुपाद जी कोट करते हैं, एकदम सेम है ये श्लोक जैसा ही है, मगर इसमें एक शब्द जो है विशिष्ट बता रहे हैं प्रभुपाद जी, जिस विपश्चिन जिसका अर्थ है विद्वान या ज्ञानमय। यहाँ पर एक शब्द आता है आत्मा ज्ञान से या चेतना से सदैव पूर्ण है, चेतना करके एक शब्द आता है चेतना। ये चेतना क्या है प्रभुपाद जी उदाहरण के माध्यम से हमको बढ़िया से समझा रहे हैं चेतना क्या है। इस प्रकार के सूर्य का उपस्थिति, सूर्य की किरण के माध्यम से आप समझ सकते हैं सूर्य का उपस्थिति। एग्जैक्टली शरीर में आत्मा है, उसका उपस्थिति समझने के लिए चेतना है। उसका उपस्थिति यानी आत्मा पे है, उसका जो किरण है चेतना है पूरा शरीर में व्याप्त है, पूरा शरीर में व्याप्त है, उसको चेतना कहते हैं चेतना। तो आत्मा का उपस्थिति चेतना के माध्यम से, जहां जहां खून प्रवाहित हो रहा है वहां वहां चेतना है। नाखून में नहीं है चेतना, नाखून को आप दबाइए आपको नहीं कष्ट होगा, ओनली नाखून को आप काटिए, नाखून काट देते हैं हम कोई कष्ट नहीं होती। बाल को काटिए, जहां जहां खून प्रभावित हो रहा है शरीर में वहां वहां चेतना प्रभावित पूरा बढ़ते हैं। हाँ, मगर उसको काटने से उसको कष्ट नहीं होता। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी यही बात को कहते हैं, जिस प्रकार सूर्य का विद्यमान है वो पता कैसे चलता है उसके किरणों से। कभी कभी सूर्य प्रकट भी नहीं होता है फिर भी पता चल रहा है सूर्य है क्योंकि ना किरण है उजाला है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही आत्मा का उपस्थिति चेतना के माध्यम से होती है, इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं। इसी प्रकार चूंकि शरीर में चाहे पशु का या पुरुष का कुछ ना कुछ चेतना रहती है, मगर कहते हैं भगवान की चेतना आत्मा की चेतना में अंतर है। क्या अंतर है? कहते हैं भगवान का चेतना विस्मरणशील नहीं है, आत्मा का चेतना विस्मरणशील है। इस बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। किंतु जीव की यह चेतना परमेश्वर की चेतना से भिन्न है, क्योंकि परम चेतना तो सबकी है, वो भूत को जानते हैं, वर्तमान को जानते हैं, भविष्य को जानते हैं। आत्मा जानता है क्या? आत्मा भूल जाता है, आत्मा का जो चेतना वो भूल जाता है, वो पिछले जन्म में क्या था वो नहीं पता है, आगे क्या होने वाला है उसको नहीं पता है। भगवान को सब कुछ पता है, भूत वर्तमान भविष्य ये सब कुछ पता है। व्यष्टि जीव की चेतना विस्मरणशील यानी भूल जाता है, भूलने का आदत है। जब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है तो उसे श्री कृष्ण के उपदेशों से शिक्षा तथा प्रकाश और बोध प्राप्त होता है। किंतु श्री कृष्ण विस्मरणशील जीव नहीं है। हमको ज्ञान हासिल करने के लिए जरूरत पड़ता है, हमको ज्ञान समझने के लिए, ज्ञान लेने के लिए। कृष्ण ऑलरेडी ज्ञान पूर्ण है। क्या कहते कृष्ण पढ़ने के लिए सांदीपनि मुनि के आश्रम में गए उज्जैन में। अरे बाबा वो एक लीला था, कृष्ण को पढ़ने के लिए जाने का जरूरत नहीं है। अगर पढ़ने के लिए जाते तो 64 दिन में 64 कलाएं को सीख जाएगा क्या? भगवान पूर्ण ज्ञानमय, उनको ज्ञान का जरूरत नहीं। अरे सारा वेद जिनके मुख से निकला हुआ है, सारा वेद जिनके मुख से निकला हुआ उनको और क्या ज्ञान, आप समझ जाओ। तो भगवान विस्मरणशील नहीं है, कि नहीं? अगर विस्मरणशील होते तो ये भगवद गीता का उपदेश व्यर्थ हो जाता। यहाँ पर इस बात को कहते हैं, ठीक है। लास्ट पैराग्राफ माता जी पढ़िए। आत्मा के दो प्रकार है, एक तो अणु आत्मा और दूसरा विभू आत्मा। कठोपनिषद में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। तमक्रतुहु पश्यति वितत्सोको धातुहु प्रसादां महिमानमात्मनः। पढ़िए। परमात्मा तथा अणु आत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। कृष्ण परमात्मा के भी उद्गम है, जैसा कि अगले अध्यायों में बताया जाएगा। और अर्जुन अणु आत्मा के समान है जो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है, अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है। हाँ, देखिए यहाँ पर कहते हैं दो आत्माएं कहते हैं, एक अणु आत्मा और एक विभू आत्मा। अणु आत्मा हम है, विभू आत्मा परमात्मा है, उसको परमात्मा कहते हैं, और हमको सिर्फ जीवात्मा कहते हैं। जीवात्मा परमात्मा, उसको विभू यानी बड़ा, अणु यानी छोटा, हरियाणु आत्मा बिहु आत्मा का अंश है। ये श्लोक भी जो है कठोपनिषद से पुष्ट किया गया। यहाँ पर इस प्रकार एक वृक्ष में दो पक्षी हैं, एक पक्षी फल को खाता है और एक पक्षी देखता है। तो आत्मा भोग करता है सुख दुख को, परमात्मा देख रहा है। शरीर के माध्यम में आत्मा भोग करता है और परमात्मा देखता है, परमात्मा देखता है। तो आत्मा भूल जाता है, आत्मा का चेतना यानी उसका स्वरूप क्या है, भूलने का आदत है। इसके कारण उसको क्या करनी चाहिए, कृष्ण के द्वारा दिए गए उपदेशों को प्रामाणिक प्रतिनिधि से समझ जाना चाहिए। हम क्या भूल चुके हैं, हम ये भूल चुके हैं कि हम कृष्ण का नित्य दास है। हम कृष्ण के साथ हमारा संबंध हम भूल गए। इसके लिए गुरु से संबंध का ज्ञान सुनना चाहिए। मैंने आपको बताया था संबंध ज्ञान ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें। कृष्ण के साथ हमारा संबंध क्या है, अगर संबंध ज्ञान पक्का है तो जैसे एक पत्नी को पता चल गया कि मेरा संबंध क्या है पति के साथ, तो सेवा करेगी पत्नी। जैसे कहते हैं ना 7 जन्मों तक क्या बंधन है, 7 जन्मों तक बंधन है पत्नियों का। 7 जन्म छोड़ दो, इस जन्म में तो कर दो अच्छा सेवा, 7 जन्मों की बात छोड़ दो। लेकिन तो जैसे संबंध समझ में ये मेरा पति है, इनको मैं जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं इनका सेवा करूंगी क्योंकि ना मेरा संबंध है इसके साथ। वैसे ही कृष्ण के साथ हमारा नित्य संबंध है, हम भूल गए हैं, इसी कारण दुख भोग रहे। जो पत्नी भूल जाएगा कि ये मेरा पति है तो हमेशा दुख भोगेगी, हमेशा दुख भोगेगी। देख लो, तो वैसे ही जब जीव ये भूल जाता है कि कृष्ण मेरे परम पति है, परम पिता है, तब जीव विस्मरण के कारण इस संसार में दुख भोगता है। और यही कारण इस संसार में आने का कि हम भूल गए कृष्ण को। कृष्ण को भूलने के कारण हम इस संसार में आए, दुख भोग रहे हैं। तो वापस जब संबंध जुड़ जाएगा कृष्ण के साथ तब क्या होगा, हाँ, हम परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, नित्य आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान कहते हैं देखिए आत्मा हमेशा अजर अमर है, वो कभी नहीं मरता है, मगर उसका अस्तित्व शरीर में बहुत है। जब आत्मा नहीं रहता है शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, शरीर खत्म हो जाता है। इसके लिए बुद्धिमान व्यक्ति को प्लानिंग करनी चाहिए सुबह से शाम, किसके लिए, आत्मा के लिए, आत्म कल्याण के लिए। हर एक कार्य में मैं धन कमा रहा हूँ तो इस ये धन के माध्यम से मैं आत्म कल्याण क्या कर सकता हूँ, मंदिर में दान देके, भगवान की सेवा करके, वैष्णव को सेवा करके। इस धन से मैं ये घर खरीदा, ये घर की खरीदा तो है मगर ये घर के माध्यम से मेरा आत्म कल्याण क्या होगा, मैं इसमें अच्छे से रहूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, इससे मेरा आत्मा का कोई कल्याण नहीं होगा। इस घर में जब वैष्णव पधारेंगे, वैष्णव कीर्तन करेंगे, घर पे आके भगवान को स्थापना कर दूंगा इस घर पे, तब ये घर पवित्र हो जाएगा। तब क्या होगा, मेरा आत्म कल्याण होगा। मैं गाड़ी लिया हूं, इस गाड़ी में भगवान को ले जाऊंगा, भक्तों को ले जाऊंगा, भगवान के मंदिर की सेवा में लगाऊं कभी कभी, तो ये मेरा गाड़ी मेरे आत्म कल्याण के लिए कार्य करेगा। देखिए हर एक वस्तु आत्म कल्याण के लिए सहायक हो सकता है अगर हम कृष्ण के लिए उसको लगा दें सेवा में। तो इसके लिए हर एक भक्त को, हर भक्त ने, हर एक जीव को अपने आत्म कल्याण के लिए सोचनी चाहिए। आज संसार भर में लोग दुखी क्यों है, क्योंकि ना शारीरिक, आज क्या WHO फेल क्यों है, क्योंकि ना शरीर की प्रोटेक्शन के लिए प्लानिंग करते हैं, स्वास्थ्य का प्रोटेक्शन यानी शरीर की प्रोटेक्शन। आत्मा के लिए कोई प्लान नहीं है WHO का। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फेल है। क्यों फेल है, आत्मा के लिए कोई प्लानिंग नहीं है उन लोग का, ओनली शरीर के लिए। और उस शरीर को बचाना चाहते हैं वो लोग जो शरीर खत्म होने वाला है। क्या WHO वाले शरीर को बचा लेंगे, अगर बचा लेते तो अमेरिका में लाखों लोग मर गए, क्यों नहीं बचा दिया। भारत में हजारों मर रहे हैं, क्यों नहीं बचा लेते हैं। इंग्लैंड में हजारों मरे, क्यों नहीं बचा रहे हैं। फ्रांस में, दुनिया भर में लोग मर रहे हैं अभी कोरोना की वजह से। अगर WHO के पास इतना ही शक्ति है तो क्यों नहीं बचा लिया। उनकी बस की बात नहीं है, मारे कृष्ण राखे के, कृष्ण ही मारना चाहते हैं तो कौन रक्षा कर सकते हैं। WHO फेल, वर्ल्ड हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं होना चाहिए, वर्ल्ड आत्मा मिनिस्ट्री होनी चाहिए, आत्म कल्याण मिनिस्ट्री, ऐसा कुछ होना चाहिए, वर्ल्ड आत्म कल्याण मिनिस्ट्री, जिसमें शिक्षा ये देना चाहिए कि जप करो, भागवत पढ़ो, गीता पढ़ो, सात्विक जीवन जियो, ये कुछ मिनिस्ट्री होना चाहिए वर्ल्ड का। कोई इसके लिए कोई प्लान नहीं। बताओ कितना कितना मूर्खता है इस संसार में लोग। इसके लिए कोई प्लान हुआ है कि दुनिया भर के लोग कैसे कृष्ण भक्ति में अग्रसर होंगे, भगवत भक्ति में कैसे लोग एंगेज होंगे? उसके लिए कोई प्लान नहीं है, कोई संस्था नहीं है वर्ल्ड का कोई ऐसा। अगर श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसा संस्था बनाया, विश्व भर के लोगों को कैसे कृष्ण भावना में लेके उनको अदर मर बना दे, इसके लिए हम लोग ये समझनी चाहिए आत्म कल्याण के लिए मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा जीवन चला गया इतना समय, मैं आत्म कल्याण के लिए क्या किया आज तक? मैं तो मेरे शरीर के लिए ही सारा कार्य किया आज तक, मैं मेरे आत्मा के लिए तो कुछ भी नहीं किया अभी तक। आज से प्रण लेता हूँ मैं आत्मा के लिए कुछ कार्य करूँ। ये नाम जप करना, भागवत पढ़ना, गीता पढ़ना, ये सब आत्मा कल्याण के कार्य है। इससे शरीर का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा प्रसन्न रहेगा, शरीर अपने आप ठीक रहेगा। आत्मा ही अप्रसन्न रहेगा, शरीर में आप लाखों रुपया कमा लो, आत्मा प्रसन्न नहीं तो क्या करना है? लाखों रुपया बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। लोगों के पास करोड़ों रुपया है, धन, मगर शांति नहीं है, सुख नहीं। वो करोड़ों रुपया किस काम का है? जिसके लिए कमाया था वही काम नहीं आ रहा। इस शरीर को बचाने के लिए करोड़ों रुपया लगाने कर आप बच सकते हो? नहीं बच सकते। तो ऐसे प्लान करो। ये जब आत्मा चेंज करेगा, दूसरा कपड़ा लेगा, वो कपड़ा अच्छा वाला कपड़ा ले। इससे थोड़ा हाई। आप जब भी कपड़ा लेने जाते हो शॉप में, जब भी कपड़ा लेने जाते हो, आप क्या विचार करके जाते हो? पिछले वाले कपड़ा से अच्छा कपड़ा लूंगा मैं, सही बात है? ऐसा सोच के जाते हो कि नहीं उससे थोड़ा थर्ड क्लास वाला लेता हूँ? ऐसा कभी सोच के आप नहीं जाओगे शोरूम में। आप हमेशा ये सोच के जाते होगे कि पिछले जो साड़ी खरीदी थी मैं, उससे अच्छा साड़ी क्या आया होगा मार्केट में, वो साड़ी लूंगी, है ना? सही बात है माता जी। अब प्रभु जी लोग भी ये सोच के होता कुछ अच्छा आया होगा कपड़े तब लूंगा, टी शर्ट, शर्ट, जीन्स जो भी। तो ये प्लान होनी चाहिए कि ये जो कपड़ा, ये जो शरीर है, इसके बाद का शरीर मेरा अच्छा, इससे थोड़ा हाई क्लास का शरीर मिलना चाहिए मुझे। दिव्य शरीर प्राप्त करनी है। भगवान के पार्षदों का शरीर कैसे प्राप्त करो, उसका प्लान करो। नहीं करेंगे ना तो क्या होगा? इससे भी लोअर शरीर प्राप्त करेंगे। फिर हम प्लान नहीं करेंगे। अभी आप शोरूम में जाने से पहले कपड़ा लेना है तो हाथ में पैसा भी चाहिए। आप जाके बोलोगे ये वाला कपड़ा दो, पैसा तो नहीं है, तो देंगे क्या? नहीं देंगे। जाओ भाई पैसा लेके आओ। तो एग्जैक्टली ऐसा ही है। आपको एक उच्च शरीर प्राप्त करनी है, उच्च चेतना वाला, तो आपको उसके लिए वो उसका मूल्य चाहिए। वो मूल्य क्या है? वेद रूप माला दिखा रहे, ये मूल्य है। इसको जितना बढ़िया से जपोगे, ये आप एक एक नाम लेते हो ना, आपका बैंक अकाउंट में उतना पैसा जमा हो जाती है। आध्यात्मिक, प्रभुपाद जिसको कहते हैं आध्यात्मिक बैंक अकाउंट, ट्रांसेंडेंटल बैंक अकाउंट कहते हैं, आध्यात्मिक बैंक अकाउंट। तो ये बैंक खाता बढ़ता रहेगा। ये बैंक खाता जब पूरा हो गया, भर गया, पूरा पूर्ण मात्रा में भर गया, तब क्या होगा? वो पैसा के द्वारा आप एक शरीर खरीद सकते हो, यानी एक कपड़ा खरीद सकते हो। वो कौन सा कपड़ा है? भगवान का नित्य पार्षद का कपड़ा ले सकते हो। हरे कृष्ण।